तो भाई आज हम पहुंच चुके हैं आईटीओ दिल्ली के अंदर, जहां पे मिलता है भाई सबसे फेमस मूंग दाल पिज्ज़ा, जो कि आपने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा। भाई इसको बनाने का देखो तरीका कितना ज़्यादा अलग है, और भैया ने 10 से 12 पैन रख रखे हैं, क्योंकि भाई यहां पर भीड़ जो है ना वो बिल्कुल नहीं रुकती। तो भाई सबसे पहले बाटर डाला जाएगा जो कि मूँग दाल का होता है, और भाई इसको बनाने का तरीका भी बहुत तगड़ा है। 3-4 मिनट हो चुके हैं और भाई ये बिल्कुल पक चुका है। अब इसको भाई 8 पीसेस के अंदर कट कर दिया जाएगा, फिर उसको ओपन कर दिया जाएगा। तो ये कट हो चुका है और भाई देखो कैसे ओपन किया जा रहा है। वाह भाई साहब, मतलब भाई इसको भी बनाने के लिए ना अलग ही कलाकारी चाहिए भाई, ये हर किसी के बस की नहीं है। और ये एकदम यूनिक डिश है दिल्ली की, जो कि भाई दिल्ली में मिलती है और कहीं नहीं मिलती मेरे हिसाब से। तो हमारा यहाँ पर बनने वाला है भाई चीज़ बर्स्ट वाला, जिसके अंदर भाई सबसे पहले सारी वेजीज आ चुकी हैं, जिसके अंदर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च है। और ये जो मसाला डाला जा रहा है ना भाई, ये 18 तरीके के मसालों को मिक्स करके एक मसाला बनाया गया है। ये जा रही है मशरूम भाई, अब आ चुके हैं भाई मशरूम। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा मशरूम वाला पिज्ज़ा है, और मशरूम के भाई काफ़ी सारे पीस आ रहे हैं। मतलब अंकल जी दूसरों को भी साथ साथ देखते रहते, क्योंकि भाई इकट्ठे इतने सारे ऑर्डर्स होते हैं। अब आ चुकी है भाई अमूल चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा चीज़ बर्स्ट वाला है, और भाई कितनी सारी क्वांटिटी में चीज़ आ रही है भाई, कम नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से। तो भाई सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आएगी, अब ये स्लाइस वाली चीज़ भी आएगी इसके अंदर। इसको भी 8 पीसेस के अंदर भाई कट कर दिया गया, और एक एक करके हर पीस के ऊपर लगा दिया जाएगा। अब भाई इसको बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, और अब ये ढंग से बेक होगा, जो कि जो चीज़ है ना वो पूरी मेल्ट हो जाए अंदर से। वो भाई अब अंकल इसको प्रेस कर रहे हैं ढंग से, कि जो भाई चीज़ है बिल्कुल मेल्ट हो जाए ढंग से। और इसके बाद आ जाएगा भाई अमूल मक्खन की टिक्की, जो कि भाई पूरी डाल दी जाएगी। आप देख सकते हो, ये देखो क्या बात है भाई, गजब बटरी भी होने वाला है और चीजीएस भी होने वाला है, क्या बात है। अब भाई इसको कर दिया जाएगा टॉस, अरे वाह भाई साहब क्या बात है। अपना जितनी देर रेडी हो रहा है भाई, उतने में भाई यहाँ पर लगते रहते हैं, मतलब यहाँ पे भाई स्पीड इनकी रुकती नहीं है। और कम से कम यहाँ पे 8 से 10 पैन है, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब सब में मूंग दाल पिज्ज़ा बनाया जा रहा है। बिल कितना टाइम लगता है बनने में? 15 मिनट। अच्छा, होने वाला है क्या? 3 से 4 मिनट। तो भाई अमूल बटर से सिक चुका है, और भाई इसका कलर देखो कितना बढ़िया सा हो चुका है, ऑरेंज सा। और भाई इसके अंदर वापस से देखो कितनी सारी चीज़ आ चुकी है, क्योंकि ये भाई चीज़ बस्ट है, तो ऑब्वियसली चीज़ तो बहुत ज़्यादा आएगी। और चीज़ आ चुकी है इसके अंदर भाई वापस से। अब भाई वापस से मशरूम आ चुके हैं, मशरूम की भाई एक और लेयर आ चुकी है। मतलब भाई इतना लोडेड मूंग दाल पिज़्ज़ा मैंने तो कभी नहीं सोचा था, और फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगा। मशरूम की लेयर के बाद भाई अब इसके अंदर वापस से स्लाइस वाली चीज़ आ जाएगी। भाई इसको कट किया जा रहा है, और वापस से चीज़, मतलब भाई पागल हो जाऊंगा आज तो मैं चीज़ खा के। ये देखो भाई वापस से चीज़ आ चुकी है भाई, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। वापस से हल्की सी वेजीज भी आ चुकी हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब भाई कलरफुल सा देख के, मतलब भाई मज़ा ही आ गया भाई। इसको दूसरे पैन से ढक दिया गया, कि भाई जो चीज़ है ना वो ऊपर पूरी मेल्ट हो जाए। चीज़ भाई थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो चुकी है अब इसको, अरे वाह भाई साहब क्या बात है भाई। इसको पलट दिया गया और हिला रहे हैं कि मतलब ढंग से पक जाए। और ये फाइनली भाई हमारा मूंग दाल चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, और ये वही वाला मसाला आ चुका है जो भैया का बहुत ज़्यादा फेमस है। तो फाइनली रेडी हो चुका है, अब भाई इसको कट कर दिया जाएगा 8 पीसेस के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। तो भाई इसके साथ चटनी सर्व करी जाएगी, जो कि है गुड़ वाली, और ये है भाई मिंट सॉस। तो भाई फाइनली हमारा मूंग दाल पिज़्ज़ा ये हो चुका है रेडी, क्या बात है भाई साहब। भाई फाइनली हमारे यहाँ पे चीज़ मूंग दाल पिज़्ज़ा आ चुका है, जिसके अंदर कम से कम भी इतनी ज़्यादा चीज़ है जितना आप सोच भी नहीं सकते, आपने मेकिंग में देख लिया होगा। तो सबसे पहले ये उठा लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ है, ये देखो गर्म भी बहुत ज़्यादा है। भाई टेस्ट तो पिज़्ज़ा जैसा ही है, और ज़्यादा टेस्ट, मतलब 100% टेस्ट पूरा चीज़ का ही आ रहा है, और बाकी तो बढ़िया है। अगर आपको ये ट्राई करना हो कुछ अलग है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा आईटीओ, और लोकेशन लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर